900 तक के क्वेश्चन हमारे पिछली वीडियो में कवर हो चुके थे। आज हम लेके चलते हैं 900 से आगे के क्वेश्चन। तो 900वां क्वेश्चन जो था, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीतने वाली टीम थी ब्राज़ील की। नेक्स्ट है, आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन बेंगलुरु में है। और एक क्वेश्चन आता है सिलिकॉन वैली। ओके, सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में स्थित। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है बेंगलुरु में। ठीक है, अच्छे से याद करना। विक्रम साराभाई आए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री। ओके, दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट है, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये जो इलिसा परीक्षण किया जाता है, ये एड्स रोग की पहचान का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, कि एड्स रोग है या नहीं, तो इसके लिए परीक्षण किया, इलिसा परीक्षण के द्वारा ही एड्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा है? तो ये जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स है, इसका रंग नारंगी होता है। यहाँ पे लिखा तो है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ब्लैक नहीं होता है उसका रंग। ये अच्छे से याद रख लेना, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स उसका नाम है और उसका रंग होगा नारंगी। नेक्स्ट है, खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो ये जानवरों के रोग है जो कि गाय और भैंस में पाया जाता है। खुरपका और मुंहपका गाय और भैंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझकर प्रोसेस कर सकता है? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। ओके, बिट है वो सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये है 27.78%। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का लिंग अनुपात कितना है? तो जो लिंग अनुपात निकल के आया है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो आया है 940, यानी कि 940 फीमेल पर 1000 मेल। ये होता है अनुपात का रेशियो। 1000 पुरुष होते हैं और 940 स्त्रियां। ये लिंग अनुपात आया है अबकी बार 940 का। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात, यानी कि लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये है हरियाणा राज्य में। ओके, वहाँ लगभग समान सी है, 1000 पुरुषों पर लगभग 1000 के बराबर सी ही समथिंग स्त्रियां हैं। ठीक है, इसमें सबसे कम लिंग अनुपात आया है, ये मतलब होता है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? ओके, जनसंख्या घनत्व बुझा है, जनसंख्या घनत्व अधिकतम है बिहार राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में किसका मुख्यालय है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको बोलते हैं ONGC, देहरादून में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये है आर्कटिक क्षेत्र में है ये हिमाद्री। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष। स्थाई अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी, अस्थाई है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो भारत के जो नागरिक है उनको 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ओके, 6 मूल अधिकार। नेक्स्ट है, 42वें संविधान
द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीन में शब्द आए थे जो नए जोड़े गए थे 42वें संविधान में। कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसमें भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है इस मानसून के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर, ओके, 118 cm। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो जो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून है, दक्षिण नीचे वाली दिशा है, पश्चिम ये वाली दिशा है, ठीक है, तो ये कहाँ से, दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य से प्रवेश करता है? तो इस तरफ जो राज्य पड़ता है ये भारत में, इस तरफ केरल पड़ेगा, ठीक है, केरल पड़ेगा, तो केरल से प्रवेश करता है। ये जो दक्षिण इस तरफ है और दक्षिण नीचे की तरफ है और पश्चिम इस साइड में है, तो इसमें बीच में से घुसेगा जो मानसून, तो यहाँ पे केरल पड़ता है, ठीक है। चलिए, दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो दूरदर्शन का जो रंगीन कार्य प्रसारण जो हुआ था, मतलब जो कलर पिक्चर आने लगी थी दूरदर्शन में, यह आने लगी थी 1982 ईस्वी से, और 1982 से जो पहले चलती थी वो चलती थी ओनली ब्लैक एंड वाइट, ओके, ब्लैक एंड वाइट चलती थी 1982 से पहले, और 1982 में दूरदर्शन पर कार्यक्रम कैसे आने लगे थे? रंगीन कलर कार्यक्रम आने लगे थे। विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये लिया गया है पांडा को, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पांडा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वो है इंटरनेट, ठीक है, आप जानते हो, अभी आप जो चला रहे हो ये सब इंटरनेट के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है, जो आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख रहे हो ये सब इंटरनेट की देन है, ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरनेट ही है। नेक्स्ट है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ये जो ईमेल है आपके पास, जैसे ईमेल आती है आजकल सभी फार्मों में मांगी जाने लगी ईमेल, तो ये किसने चालू की थी? रे टॉम लिंकसन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक कौन है? तो ये जो WWW है, WWW, इसका आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। और इसी के साथ साथ ये, हाँ ये आ गया, देखो HTTP, और एक आता है URL की फुल फॉर्म, यह भी पूछी जाती है, तो ये भी अच्छे से याद कर लेना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया है, HTTP जो इंटरनेट से रिलेटेड है ना ये सब, तो आप जैसे सर्च बार में टैप करते हो तो वहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है? HTTP, और उसके बाद में आता है क्या? WWW, आगे जो वेबसाइट बनती है वो आ जाती है बाद में .com, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट में पहली बार WWW से पहले लिखा जाता है HTTP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक तो ये हो गया, एक बूझ ली जाती है URL की फुल फॉर्म, ओके, उसको भी किसी को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना URL की फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी से खेलती है, ठीक है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी है। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये जो आप जो ये नोट देखते हो करेंसी, 10 रुपये का, 100 रुपये का, अब 500 का, और ये जो 2000 के नोट चलते हैं, तो इन पर कितनी लैंग्वेज में भाषाएं लिखी जाती है, कितनी लैंग्वेज की भाषाएं? ये 17 लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है, एक नोट पर 17 लैंग्वेज में भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? यानी कि एक नारा बना था जो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया था इनका नारा। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति है। नेक्स्ट है, एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का जो नोबल पुरस्कार कहा जाता है, ये कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को।
नेक्स्ट है, सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस है CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC है ओजोन अक्षयकारी गैस। नेक्स्ट है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU, ठीक है, CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये स्पेलिंग जरा ध्यान से देख लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म नाम है। और जी, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन प्लूटो को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, प्लूटो का जो दर्जा है वो ग्रह से समाप्त कर दिया गया है, फिर से 8 हो गई है। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्रमा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। और वर्षा का जल भी कौन सा? वो कि जो थोड़ी सी देर बाद वर्षा बरसने के बाद जो जल आता है वो शुद्ध रूप होता है, ना कि वो जो शुरुआत में जो वर्षा आती है वो शुद्ध रूप नहीं है। कुछ वर्षा के थोड़ी सी देर बाद आने वाला जो जल होता है वो वर्षा का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है, जो कुछ देर बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है ताप विद्युत का, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारा ताप विद्युत का। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये होती है आयन मंडल से। ओके, जो ये रेडियो तरंगे है ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत पर उड़ते हैं? हवाई जहाज के जो उड़ने का लेवल है तो वो है समताप मंडल पे। ओके, समताप मंडल पे उड़ेंगे, आसमान में 5 परतें होती है ये, तो उनमें से समताप मंडल पे हवाई जहाज उड़ते हैं। नेक्स्ट है, अक्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो अक्षोभ मंडल की ऊंचाई मानी गई है 18 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो ये रहता है जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये सक्रिय रहेगा जून से सितंबर तक का। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मदर टेरेसा ने, इसको भी याद रखना, मदर टेरेसा ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये कोलकाता में की थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की। नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ये ऑक्सीजन होती है। ओके, अगर कोई चीज़ जल रही है और उसमें ऑक्सीजन मिल रही है तो आग बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई आग जल रही है और वहाँ से ऑक्सीजन कर दी जाए ख़त्म, तो वो आग जो है अपने आप ही बुझ जाएगी। ठीक है, ये प्रयोग आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। आप एक मोमबत्ती लेना, ठीक है, और उसके ऊपर कांच का गिलास ऐसे मुंधा कर देना, ऐसे जब उसके ऊपर उल्टा करके रख दोगे कांच का गिलास, जो ये मोमबत्ती बल रही है, जल रही है ये, तो ये थोड़ी सी देर में अपने आप ही बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गिलास के अंदर की ऑक्सीजन है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाएगी। जब पूरी तरह से मोमबत्ती गिलास के अंदर हो और हवा का कोई स्रोत ना हो तो वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 97% तक का भाग पाया जाता है वायुमंडल में 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ओके, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। ठीक है, कारण तो ये था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। और ये जो 1857 की क्रांति हो, आपको ये पता होना चाहिए, जो 1857 की क्रांति है ये हमारी पहली क्रांति है। ठीक है, ये स्टार्ट की थी किसने? मंगल पांडे ने की थी ये सबसे पहली क्रांति, सबसे पहली आवाज़ मंगल पांडे ने उठाई थी।
1857 में। तो आज के क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक थे, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 50, वे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, धन्यवाद।